हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वंडर वुमन 1984 फिल्म की रिलीज डेट के बारे में, क्योंकि इस फिल्म के साथ साथ और दो फिल्में इसके आगे और पीछे रिलीज होने वाली है बस कुछ ही हफ्तों के गैप में, और शायद इससे वंडर वुमन फिल्म को और बाकी दोनों फिल्मों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि वंडर वुमन 1984 फिल्म की रिलीज डेट को कर दिया गया है शिफ्ट, लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब इस फिल्म की सीधे टक्कर होगी रेड नोट फिल्म से, जिस फिल्म में हमें वंडर वुमन यानी गैल गैडोट और ड्वेन जॉनसन नजर आने वाले हैं। ये फिल्म एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसे डायरेक्ट करेंगे रोशन मार्शल, जिन्होंने इसके पहले ड्वेन जॉनसन के साथ स्काई स्क्रीपर और सेंट्रल एलिगेशन फिल्म बनाई है। ये फिल्म ठीक वंडर वुमन 1984 के एक हफ्ते बाद ही रिलीज होगी, लेकिन मुझे लगता है कि तब तक इस फिल्म की रिलीज डेट को कर दिया जाएगा शिफ्ट, क्योंकि कोई भी स्टूडियो ये नहीं चाहेगा कि दोनों फिल्में आमने सामने हो और इससे दोनों ही फिल्मों को लॉस हो। बल तो ये बात होगी यहाँ पर क्लियर कि वंडर वुमन 1984 के बाद एक हफ्ते बाद कौन सी फिल्म रिलीज होगी। और अब बात करते हैं कि इसके एक हफ्ते पहले जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है डिज्नी की मालेफिसेंट 2, जिस फिल्म की रिलीज डेट है 29 मई, और इसके फर्स्ट पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कमाई की थी, जिस वजह से हम ये भी मान सकते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस देगा, यानी दो बड़ी फिल्में आमने सामने होगी, वो भी सिर्फ एक ही हफ्तों के गैप में। ऐसे में रेड नोट फिल्म इन झमेलों से निकलकर एक नई रिलीज डेट पकड़ ले तो बहुत ही अच्छा होगा। वेल, तो अब आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों की रिलीज डेट को चेंज होना चाहिए या नहीं। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नया अपडेट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।